नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड, ये तीनों एक ही शब्द हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं, इसके कितने मुख्य प्रकार होते हैं तथा इसकी मुख्य विशेषताएं भी बताइए। तो एटीट्यूड की परिभाषा बतानी है, इसके कितने प्रकार होते हैं वह बताना है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं यह भी बताना है। तो सबसे पहले एटीट्यूड की परिभाषा देखते हैं, अर्थात मनोवृत्ति की परिभाषा देखते हैं। तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों एवं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में एक नजरिया है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों या सामाजिक परिस्थितियों के बारे में क्या है, एक नजरिया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार इत्यादि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अभिवृत्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार इत्यादि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अब देखते हैं कि अभिवृत्ति के निम्नलिखित मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर वन, सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, अर्थात हमेशा सकारात्मक नजरिया रहता है इसमें व्यक्ति का। जैसे कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसका पैर टूट जाए, तब भी वह सकारात्मक रहेगा और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देगा कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कृपा से मेरा जीवन बच गया। तो ये होता है सकारात्मक अभिवृत्ति, अर्थात परिस्थितियां कितनी भी विकट, कितनी भी जटिल क्यों ना हो जाए, व्यक्ति हमेशा सकारात्मक नजरिया रखता है, तो ऐसे कहेंगे सकारात्मक अभिवृत्ति। दूसरा है कि नकारात्मक अभिवृत्ति। नकारात्मक अभिव्यक्ति की मतलब कि व्यक्ति हमेशा नकारात्मक नजरिया रखता है। किसी व्यक्ति के साथ चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, फिर भी उसमें वो कोई कमी निकालता है, किसी न किसी कारण दुखी रहता है, भले उसके साथ बहुत अच्छा हो, तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का नकारात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति है वो। तीसरा है कि शून्य अभिवृत्ति। शून्य अभिवृत्ति अर्थात न तो सकारात्मक अभिव्यक्ति हो व्यक्ति की, न ही नकारात्मक हो, तब कहा जाएगा शून्य अभिवृत्ति वाला व्यक्ति या शून्य अभिव्यक्ति। तीसरा है कि समान अभिवृत्ति। समान, सामान्य अभिवृत्ति अर्थात सभी के समान एक समान नजरिया, सभी के समान एक समान नजरिया कोई रखता है तो समान अभिवृत्ति कहा जाता है, चाहे नजरिया सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अनेक बार अनेक लोग यह कह देते हैं कि सभी नेता चोर हैं या सभी नेता भ्रष्ट हैं, तो किसमें आएगा, समान अभिवृत्ति, क्योंकि सभी के प्रति एक समान नजरिया। या कह देंगे कि सभी नेता अच्छे हैं, तो यह भी सामान्य अभिवृत्ति, अर्थात सभी के समान एक समान नजरिया रखना, तो यह सामान्य अभिवृत्ति में आएगा। दूसरा है कि विशिष्ट अभिवृत्ति। विशिष्ट अभिवृत्ति अर्थात व्यक्ति विशेष के प्रति नजरिया रखना, व्यक्ति विशेष के प्रति नजरिया रखना। जैसे कि फला नेता चोर है, ये क्या हो गया, नाम लेकर कहेंगे कि फला नेता चोर है, तो क्या कहेगा, ये क्या आएगा, व्यक्ति विशेष के प्रति नजरिया आएगा, अर्थात विशिष्ट अभिवृत्ति हो गया। जैसे कि केवल अपनी माँ या अपनी बहन का सम्मान करना किसमें आएगा, विशिष्ट अभिव्यक्ति में आएगा। केवल अपनी माँ बहन या परिवार के लोगों का सम्मान करना किसमें आएगा, विशिष्ट अभिव्यक्ति में। किंतु सभी की माँ, सभी का, सभी की बहन या सभी इंसान का सम्मान करना किसमें आएगा, सामान्य अभिवृत्ति में। तो अभिवृत्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं और मुख्यतः पांच प्रकार हैं, इन सबको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं प्रश्न के अंतिम भाग में,
कि अभिवृत्ति की कितनी विशेषताएं होती हैं, तो लिखेंगे अभिवृत्ति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर वन, अभिवृत्ति अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। अभिवृत्ति अनुभव के आधार पर अर्जित होती है, अर्थात व्यक्ति जन्म लेता है और जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसका अन्य व्यक्तियों के बारे में एक नजरिया बनता है और इसी को अभिवृत्ति कहते हैं या मनोवृत्ति कहते हैं या एटीट्यूड कहते हैं। तो वही है कि अभिवृत्ति अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। दूसरा, यह परिवर्तनशील होती है। अभिवृत्ति क्या है? परिवर्तनशील होती है। जैसे कि मान लीजिए आज तक किसी से आप प्रेम करते थे, कुछ ऐसा हो जाए कि आज के बाद उससे आप घृणा करने लगे, अर्थात एटीट्यूड या मनोवृत्ति या अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है, अस्थायी नहीं होती। तीसरा, अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। जैसे कि ठंडी का महीना है, कोई एक इंसान जा रहा है, रास्ते में उसे कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ मिले तो अपना कंबल या अपनी चादर उसे उड़ा दे और आगे चला जाए। तो क्या हुआ कि एक उसे अभिप्रेरणा ऐसी हुई, तब उसने व्यवहार ऐसा किया। तो यही कहा गया है कि अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। चौथा महत्वपूर्ण है कि अभिवृत्ति में प्रेरणास्पद गुण होते हैं। अभिवृत्ति में प्रेरणास्पद गुण होते हैं, अर्थात अभिवृत्ति कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। जैसे कि माता पिता या गुरु के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति होने के कारण हम उनके साथ अधिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं। अभिवृत्ति की पांचवी प्रमुख विशेषता है कि अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, विचार या घटना इत्यादि से होता है। अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, विचार या घटना इत्यादि से होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोगों ने देखिए एटीट्यूड, जिसे मनोवृत्ति भी कहा जाता है और जिसे अभिवृत्ति भी कहा जाता है, तो इसकी हम लोगों ने परिभाषा देखी, इसके पांच प्रकार होते हैं वह देखा और इसकी पांच प्रमुख विशेषताएं होती हैं यह भी देखा। और चूंकि एग्जाम में केवल 250 शब्दों में आता है प्रश्न या 125 शब्दों में आता है, तो इस दृष्टि से इतना आंसर पर्याप्त है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।